हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे व्रत में पीरियड आ जाए तो क्या करें। हिंदू धर्म और वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में हिंदू महिलाओं को धर्म कार्य नहीं करने को कहा गया, इसलिए इन दिनों में महिलाएं मंदिर नहीं जाती और पूजा पाठ के सामान्य मूर्ति को हाथ नहीं लगाती। हिंदू धर्म और वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में हिंदू महिलाओं को धार्मिक कार्य नहीं करने को कहा जाता है, इसलिए इन दिनों में महिलाएं मंदिर नहीं जाती और पूजा पाठ के सामान और मूर्ति को हाथ तक नहीं लगाती। प्राचीन काल में तो इन दिनों में महिलाएं नीचे चटाई पर सोती थी। इसको लेकर कई सारे नियम धर्म थे। महाभारत काल में जब स्त्रियां महामारी में होती थी, उनको रहने के लिए अलग से व्यवस्था होती थी। वो समाज से अलग दूसरी जगह रहती, लोगों से मिलना जुलना नहीं होता और वो किसी कार्य से भी भाग नहीं लेती थी, जहां तक कि रसोई घर में भी नहीं जाती थी। अब बात आती है कि व्रत के दौरान महामारी आ जाए तो क्या करना चाहिए। इस पर लोगों का अलग अलग मत है। मान लीजिए नवरात्रि में कुछ फास्ट करने के बाद अगर आपका मासिक धर्म आ जाता है तो क्या आप बीच में ही व्रत छोड़ देंगे, या आपने करवा चौथ व्रत रखा है और शाम को पीरियड आ जाए तो क्या करेंगी आप? जाहिर है व्रत को पूरा करेंगी, क्योंकि जिसकी शुरुआत हो चुकी है उसको पूर्ण करना जरूरी होता है, बशर्ते कि हम थोड़ा सा अलग करें और नियमों का पालन करें, लेकिन व्रत को ना छोड़ें, उसको कंटिन्यू रखें। आप अपनी परंपरा की भी रिस्पेक्ट करें। इसके लिए आप पूजा करने से दूरी बनाएं और भगवान के पास ना जाएं। व्रत के दौरान अगर पीरियड आ जाए तो आप व्रत करते रहें, पूजा पाठ नहीं करें तो आपको उतना ही फल मिलेगा और भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं, ये प्रकृति का चक्कर है जो कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। इसका कोई निश्चित समय नहीं है, इसकी चिंता ना करें। करवा चौथ में अगर व्रत के दिन महावारी आ जाए तो शाम की पूजा को इग्नोर करें और चांद को जरूर देखें और अपना व्रत पूरा करें, क्योंकि पूजा पाठ आपके मन और आपके विचार से होता है। शरीर तो केवल एक जरिया है उस पूजा को पूर्ण करने का। हमारी संस्कृति में कई परंपराएं बहुत पुरानी हैं जो उस समय के लिए सही थी, लेकिन आधुनिक युग में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, इसलिए आपको भी थोड़ा चेंज लाना होगा। इसलिए अगर महावारी आ जाए तो भी व्रत छोड़े ना, व्रत को पूरा करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।